सीजन 2 फिनाले के करीब है और अब ऐसे में ये आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है और आखिरी हफ्ते में भी हुआ है घर के अंदर टाइम नॉमिनेशन टास्क। और इस नॉमिनेशन टास्क में घर के 3 सदस्य हो चुके हैं नॉमिनेट। जैसा कि हम सब जानते हैं घर के अंदर है 6 कंटेस्टेंट और इन 6 में से 3 कंटेस्टेंट इस हफ्ते बेघर होने के पूरी तरीके से खतरे में है। कौन है वो 3 नाम? क्या एक बार फिर से मेकर्स ने चली है साजिश? जी हाँ, क्या इस नॉमिनेशन टास्क में मेकर्स की कोई चाल है इन्वॉल्व? ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए गॉसिप टाउन को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलिएगा। देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो 3 नाम ऐसे नाम हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 नाम वो नाम है जो कि टॉप 3 या फिर टॉप 5 में डिजर्व करते हैं। पर ये नाम इस हफ्ते नॉमिनेशन में आ गए हैं और ये 3 नाम है एल्विश यादव, मनीषा रानी और जिया शंकर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बेबिका ध्रुवे और जो पूजा भट्ट और अभिषेक पूरी तरीके से सेफ है। अभिषेक का सेफ होना समझ भी आता है, लेकिन जो बेबिका ध्रुवे है और जो पूजा भट्ट है वो दोनों भी नॉमिनेशन टास्क में नॉमिनेशन से पूरी तरीके से बच गए हैं और कहीं ना कहीं इस टास्क को मेकर्स की गंदी चाल बताया जा रहा है। गाइस, अब क्या होगा? क्या इस हफ्ते जिया शंकर का कटेगा पत्ता या फिर मनीषा हो जाएंगी टॉप 5 की रेस से बाहर? देखना होगा, दिलचस्प। बहरहाल गाइस, हम सब जानते हैं कि एल्विश और अभिषेक के बीच में ऐसा माना जा रहा है कि वो दोनों टॉप 2 में जा सकते हैं, क्योंकि दोनों को जो फैंडम है, जो दोनों के फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और दोनों को काफ़ी प्यार भी मिल रहा है। तो गाइज, आपकी क्या राय है इस पूरी वीडियो पर मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही।